ओम हरि ओम ओम सर्व मंगल मंगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों, आज मैं आपको आपके घरों में किसी पूजा पाठ के अवसर पर विवाह आदि संस्कार में यज्ञ आदि कार्य में ब्राह्मण समुदाय द्वारा बोला जाने वाला स्वस्ति वाचन की संक्षिप्त वाक्य श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से घर में सुख शांति, आपस में सौहार्द का वातावरण बना रहता है एवं पारिवारिक एकता बनी रहती है, घर में कल्याणकारी कार्य होते हैं। तो साथियों, आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि अमेरिकी संसद द्वारा इस स्वस्ति वाचन की महत्ता को स्वीकार करते हुए संसद सत्र के प्रारंभ के समय इस स्वस्ति वाचन को गाया गया था। वो स्वस्ति वाचन मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। आप इस स्वस्ति वाचन को अगर पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं पढ़ सकें तो मोबाइल का रिकॉर्ड आनकर घर में चलने दें। तो साथियों, यदि आप हमारी बनाई वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हों, पहली बार देख रहे हों, तो कृपया उसे सब्सक्राइब करने कष्ट करें, और यदि वीडियो पसंद आवे तो देखने के उपरांत अंत में उसे शेयर एवं लाइक करने कष्ट करें, तथा बगल में प्रेस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करने कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो स्वस्ति वाचन हम स्वीकार हैं प्रभु। साथियों, ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, पृषदश्वमरुतः पृष्णिमातरः, शुभम यामानु विदधे सुजगमगयः, अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षसो विश्वेनो देवाप्सगामन्यः। ओम द्यौः शान्तिरिक्ष गुंग शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्गुंग शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कृपजाभ्यो अभयं न पशुभ्य, ओम सुशांतिरभवतु। साथियों, ये संक्षिप्त स्वस्ति वाचन मैंने आपको सुनाया, इसको पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करने से व्यक्ति के में आत्मकल्याण की भावना उत्पन्न होती है, उसका शुभता बढ़ती है, धन धान की वृद्धि होती है, मानसिक सुख शांति मिलती है। इसको प्रतिदिन आप सुन सकें, बोल सकें, तो इससे आपका कल्याण होगा, पारिवारिक में सुख शांति बनी रहेगी। यह स्वस्ति वाचन हमारे जो चार वेद होते हैं उन वेदों के शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो आप समझते हैं कि वेदों का जो वाक्य हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, कितने लाभदायक हैं, इसलिए इस स्वस्ति वाचन को आप अपने घर में जरूर सुनें, जिससे आपको सुख शांति, समृद्धि, पारिवारिक एकता सब बनी रहे। साथियों, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया उसे शेयर और लाइक करने कष्ट करें। जय श्री राम। धन्यवाद।